सब्सक्राइब कीजिए एज सिंपल एज ABCD को एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो। ये सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। चलिए वीडियो को शुरू करते सो हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इनकैरिजिबल। इट मीन्स इन हिंदी असंशोधनीय। लेट्स गो फॉर डेफिनेशन। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हो, तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बिहेवियर को सुधारा ना जा सके, उस व्यक्ति के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इनकरेजिबल। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन इनकरेजिबल स्टूडेंट इन हिज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट द वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ड्राउट। इट मीन्स इन हिंदी सूखा या अकाल पड़ना। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। जैसा कि आप सभी इस इमेज में देख रहे हो, इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कई सालों से बारिश नहीं हुई हो। इस वर्ड का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर सूखा या अकाल पड़ता हो, लाइक राजस्थान। राजस्थान में बहुत कम ही बारिश होती है जिसके कारण फसलें उगाई नहीं जा सकती, तो हम इस वर्ड का यूज वहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूडेज वेदर सीम्स टू मी लाइक ड्राउट। आई होप यू गॉट इट एंड लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलीट। इट मीन्स इन हिंदी अप्रचलित। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। समथिंग नो लॉन्गर यूज इन। जैसा कि आप सभी इस इमेज को देख रहे हो, कहने का मतलब यह है कि ऐसे पैंट आज से 10-15 साल पहले पहने जाते थे। आजकल कोई भी इन पैंटों को नहीं पहनता है, खासकर चिल्ड्रन और स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इस वर्ड का यूज करते हैं, ऑब्सोलीट। फॉर एग्जाम्पल दीज पैंट्स आर रियली ऑब्सोलीट नाउ डेज। सो द नेक्स्ट वर्ड इज वेटरन। इट मीन्स इन हिंदी अनुभवी व्यक्ति। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी वर्क हो। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो अमिताभ बच्चन जी को। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ वेटरन पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगनिस्ट। इट मीन्स इन हिंदी जो नारी जाति से नफरत करता हो। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। अ पर्सन हु हेट्स और डिसलाइक्स वुमन। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नारी जात को हेट करता हो, डिसलाइक करता हो, उस व्यक्ति के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, मिसोगोनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो डू यू लाइक और हेट मिसोगोनिस्ट पर्सन। सो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज फेमिनिस्ट। इट मीन्स इन हिंदी महिलावादी व्यक्ति। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमन। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के अधिकार की बात करता हो और उनको बराबर का अपॉर्चुनिटी देता हो, तो उस व्यक्ति के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, फेमिनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर दिनेश कुमार इज अ फेमिनिस्ट पर्सन एंड वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एडोल्ट्री। इट मीन्स इन हिंदी मूर्ति पूजा। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। वन हु वर्शिप्स ऑफ इडोल्स और इमेजेस। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति की और जो पत्थर की और इमेजेस की जो पूजा करता है, उस व्यक्ति के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, एडल्ट्री। फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी पीपल दोज हु आर एडल्ट्री। द नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रिमोनी। इट मीन्स इन हिंदी विरासत या संपत्ति। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और मेल फॉर फादर। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने पिता या पूर्वजों से काफ़ी संपत्ति मिली हो, उस व्यक्ति के लिए हम इस शब्द का यूज करते हैं, पैट्रिमोनी।
फॉर एग्जाम्पल ही इज अ पैट्रिमोनी पर्सन, दैट्स वाई ही हैज अलॉट्स ऑफ मनी। द नेक्स्ट वर्ड इज पेंसिव, इट मीन्स इन हिंदी चिंताग्रस्त या ध्यान में मगन होना। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। थिंकिंग इन अ क्वाइट वे, ऑफन विद अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। जैसा कि आप सभी इस इमेज को देख रहे हो, कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो, दैट टाइम यू आर इन पेंसिव मूड। फॉर एग्जाम्पल ही लुक्ड सडनली ग्लूमी एंड पेंसिव। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। एम्बिडेक्ट्रस, इट मीन्स इन हिंदी दोनों हाथों से काम करने वाला व्यक्ति। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। अ पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड इक्वली वेल। जैसा कि आप सभी इस इमेज को देख रहे हो, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में दोनों हाथों का यूज बराबर करता है। लाइक स्टडी, एनी वर्क, उस व्यक्ति के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, एम्बिडेक्ट्रस। फॉर एग्जाम्पल रोहित एंड श्याम बोथ आर एम्बिडेक्ट्रस स्टूडेंट इन द क्लास। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस वर्ड, सो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। कीप सपोर्टिंग टू माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक